स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सोच समझ इंसान जरा तू, दुनिया में क्यों आया है, सोच समझ इंसान जरा तू, दुनिया में क्यों आया है, मानव चोला पाकर तूने कितना धर्म कमाया है, सोच समझ इंसान जरा तू, दुनिया में क्यों आया है, मानव चोला पाकर तूने कितना धर्म कमाया है, सोच समझ इंसान जरा तू, दुनिया में दुखिया दीन अनाथों की गर पीड़ा नहीं मिटाई है, दुखिया दीन अनाथों की गर पीड़ा नहीं मिटाई है, निर्धन और कंगालों की गर कर नहीं सहाई है, निश्चय करके जान ले प्राणी हो, निश्चय करके जान ले प्राणी, जान ले प्राणी, निश्चय करके जान ले प्राणी, व्यर्थ जन्म गवाया है, मानव चोला पाकर तूने कितना धर्म कमाया है, सोच समझ इंसान जरा तू, दुनिया में क्यों। पीकर खून दूसरों का घर घर में भरा खजाना है, पीकर खून दूसरों का घर घर में भरा खजाना है, अंत समय मालूम हुआ तुझे खाली हाथों जाना है, माया के
फंस जाल में तूने अपना आप बुलाया है। मानव चोला पाकर तूने कितना धर्म कमाया है। सोच समझ इंसान जरा तू, सोच समझ इंसान जरा तू, सोच समझ इंसान जरा तू। उपस्थित धर्मी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, अभी मैंने आपके मध्य भजन रखा, सोच समझ इंसान जरा तू दुनिया में क्यों आया है, और मानव चोला पाकर तूने कितना धर्म कमाया है। ऋषियों ने वेदों की बातों को समझाने का प्रयत्न किया, जैसे एक व्यापारी प्रतिदिन अपने व्यापार का हिसाब लगाता है, आज कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है, ऐसे ही मनुष्य प्रतिदिन अपने कर्मों का हिसाब लगाए, आज मैंने कितना धर्म किया है और कितना अधर्म किया है, कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है। और जैसे एक व्यापारी प्रतिदिन अपने व्यापार का हिसाब लगाकर उसी व्यापार को करता है जो लाभ का होता है और उसे छोड़ देता है जो हानि का होता है, ठीक ऐसे ही मनुष्य प्रतिदिन अपने कर्मों का हिसाब लगाकर उन्हीं कार्यों को करे जो धर्म के हैं और उन्हें छोड़ दे जो अधर्म के हैं, उन्हीं कार्यों को करे जो पुण्य के हैं और उन्हें छोड़ दे जो पाप के हैं। लेकिन आश्चर्य होता है, व्यक्ति व्यापार का हिसाब तो प्रतिदिन लगाता है पर कर्मों का हिसाब नहीं लगाता, व्यापार का हिसाब प्रति घंटे लगाता है लेकिन कर्मों का हिसाब जीवन में एक बार भी लगाने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए आप देखें, व्यक्ति अधर्म की ओर बढ़ता जाता है और धर्म से दूर होता जाता है, पाप की ओर बढ़ता जाता है, पुण्य से दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चिंतन नहीं किया है बैठकर एकांत में, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो ध्यान रखना, निश्चित रूप से उसके मन में ये बातें आती हैं, अरे तुझे अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। पर आज लोगों ने ऐसा करना छोड़ दिया है। कुछ लोग होते थे पहले जो डायरी बनाते थे अपनी, प्रातः काल से उठकर सायंकाल तक जब तक शयन करने जाते थे तब तक की दिनचर्या वो लिखते थे, आज मैंने क्या किया है, किसे दान दिया है, किसे धोखा दिया है, किसे छल कपट किया है, सारी चीजें लिखते थे। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, पर वो थोड़े लोग रह गए हैं, किंतु समझाने का प्रयत्न किया है, अगर तुम्हें अपने जीवन को उत्तम बनाना है तो प्रतिदिन अपने कर्मों का हिसाब लगाओ, हिसाब लगाकर उन्हीं कार्यों को करो जो कार्य करने के हैं, उन कार्यों को मत करो जो न करने के हैं। लेकिन आज व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। देखो, बहुत गहरी बातें यहां पर ऋषियों ने लिखी हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। विद्वानों ने कर्मों को तीन भागों में बांटा है, जो हम कर्म करते हैं उन्हें विद्वानों ने, ऋषियों ने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम रखा है क्रियमाण, दूसरे का नाम रखा है संचित, और तीसरे का नाम रखा है प्रारब्ध। अनेक बार आपने सुना होगा क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। प्रश्न किया ऋषियों से, क्रियमाण किसे कहते हैं, तो ऋषियों ने उत्तर दिया, देखो जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उसे क्रियमाण कहते हैं। जैसे मैं रोटी खा रहा हूं होता हूं तो उसे क्या कहते हैं, क्रियमाण। और जब रोटी खा चुका होता हूं फिर क्या कहते हैं, संचित। और जब उस रोटी का मुझे फल मिलने लगता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। अर्थात जो क्रियमाण करता है वही संचित होता है, और जो संचित होता है वही प्रारब्ध बनता है। इसलिए ऋषियों ने लिखा है, तुम अपना प्रारब्ध अच्छा बनाने के लिए संचित अच्छा करो, और संचित अच्छा करने के लिए तुम क्रियमाण अच्छा करो।
पर आप देखें आज व्यक्ति प्रारब्ध तो अच्छा चाहता है लेकिन संचित और क्रियमाण को अच्छा नहीं करना चाहता। इसलिए लिखा था सत्यपाल पथिक जी ने बड़ा चिंतन करके, सब पुण्यों का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, सब पुण्यों का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, फल पाप का लोग नहीं चाहते जिसमें दिन रात विचरते हैं, किंतु मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। आज व्यक्ति भाग्य को दोष तो देता है लेकिन ये नहीं समझने का प्रयत्न कर रहा है कि भाग्य को बनाने वाला कौन है। अरे भाग्य को बनाने वाला तो तू ही है, इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। अगर तुझे भाग्य के द्वारा दुख मिल रहा है सुख मिल रहा है तो इसमें किसी का ना पुण्य है ना अपुण्य है, ये सब तूने ही किया है। और पढ़ना आप रामचरितमानस को, लक्ष्मण भी लिखते हैं वहां पर, तुलसीदास जी लिखवाते हैं निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अर्थात भ्राता जी अपने किए हुए कर्मों का ही फल प्राणी भोगता है, कोई किसी को दुख देने वाला सुख देने वाला नहीं होता। देखो रामचरितमानस का पाठ भी हम करते हैं, रामायण भी टीवी पर देखते हैं, सारे ग्रंथों को हम सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन गहराई से जानने का प्रयत्न नहीं करते। अच्छा सच बताना, अगर व्यक्ति ध्यान से पढ़ता और उसका आचरण करता तो सुखी होता दुखी होता? सुखी होता। उन्होंने अपना अनुभव वहां पर लिखा है, इस मार्ग पर चलकर हमें दुख हुआ है, इस मार्ग पर चलकर हमें सुख मिला है। आज व्यक्ति केवल राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे करता रहता है कीर्तन, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा है, राम ने क्या कहा है, हनुमान ने क्या कहा है, शिव ने क्या कहा है, उसे मानने का प्रयत्न नहीं करता। और मैंने पहले भी कहा था गुड़ गुड़ कहने से व्यक्ति का मुंह मीठा नहीं होता, मुंह मीठा करने के लिए व्यक्ति को गुड़ खाना पड़ता है, पर आज व्यक्ति गुड़ खाना नहीं चाहता और मुंह मीठा करना चाहता है। इसलिए व्यक्ति का कल्याण नहीं हो रहा है, पर कहा है अगर तुम्हें सुख प्राप्त करना है तो अपना प्रारब्ध अच्छा बनाने का प्रयत्न करो। और उदाहरण दिया है, जैसे व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करने जाता है, जब तक जमा करने जाता है तब तक की क्रिया को क्रियमाण कहते हैं, और जैसे ही पैसे जमा कर देता है फिर वो क्रियमाण नहीं रहता, संचित हो जाता है। आप प्रबुद्ध लोग यहां पर बैठे हैं, सूत्र रूप में ही समझेंगे, जब वो जमा कर देता है फिर क्रियमाण नहीं रहता, संचित हो जाता है, और जब उसे निकाल निकाल कर खाता है प्रारब्ध हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कहते हैं जी ये व्यक्ति करता कुछ नहीं धरता कुछ नहीं, पता नहीं इसे खाने के लिए कहां से मिल रहा है, इसे खाने के लिए कहां से मिल रहा है। उसका कारण एक ही है, इसने पहले अपने संचित को इकट्ठा किया है, अर्थात पहले ही बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, उसे निकाल निकाल कर खा रहा है, और जिसने जमा नहीं किए हैं उसे नहीं मिलता, उसे नहीं मिलता जिसने जमा नहीं किए हैं। एक व्यक्ति कहता है जी मत करो जमा, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो लोन मिल जाता है अलग अलग ढंग निकालते हैं ना, कोई बात नहीं अगर हमने जमा नहीं किए तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, लोन मिल जाता है, हम लोन लेकर खाएंगे। पहली बात, लोन किसी ना किसी वस्तु पर मिलता है, मकान पर मिलता है, जमीन पर मिलता है, या अपने आभूषण रखने पड़ते हैं तब मिलता है, लेकिन अब ऐसा भी हो रहा है कि कुछ वैसे भी मिल जाता है, आधार कार्ड पर भी लोन देते हैं आजकल, तो कहता है जी आजकल तो लोन मिल जाता है चिंता करने की क्या आवश्यकता है। पर सच बताना, उस लोन को चुकाना पड़ता है या नहीं चुकाना पड़ता है? उस लोन को चुकाना पड़ता है, अगर हमने ले लिया और वो खाया है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा, और नहीं चुकाया तो एक दिन घर की कुड़की हो जाती है, गवर्नमेंट आती है सामान लेकर चली जाती है, जिस साहूकार से हम पैसा लेते हैं वो आता है हमारा सामान उठाकर चला जाता है, लेकिन हमें चुकाना जरूर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही धन को इकट्ठा करना चाहिए, अर्थात संचित करना चाहिए, लेकिन लोगों की मान्यता है जी बस कोई बात नहीं करो मत करो, लेकिन आजकल लोन मिल जाता है, और ऐसे ही कुछ लोग हैं। यथार्थता जीवन में देखने का प्रयत्न करें, देखो आप लोग बैठे हैं, आपने पुण्य किया हुआ है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, अपना भाग्य बढ़िया बनाया हुआ, और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो आप जाकर देखे, कोई कहता है अल्लाह के नाम पर दे दो, कोई कहता है खुदा के नाम पर दे दो, कोई कहता है भगवान के नाम पर दे दो, कोई कहता है देवी देवता के नाम पर दे दो,
ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो लोन लेने वाले हैं, लोन लेकर खा रहे हैं। हमने कहा जो तुम भगवान के नाम पर क्यों मांग रहे हो, अरे अपने नाम पर मांगो, ईश्वर के नाम पर क्यों मांग रहे हो? तो कहता है अगर मेरे खाते में होता तो मुझे ईश्वर से मांगने की क्या जरूरत, अगर मेरे खाते में होता तो मैं ईश्वर से क्यों मांगता, मेरे खाते में नहीं है इसीलिए मुझे खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मांगना पड़ रहा है। ध्यान रखना ऐसे ही लोग कुछ होते हैं जो मांग मांग कर खाते हैं, लोन लेकर खाते हैं, लेकिन जब उन्हें चुकाना पड़ता है ना तब बड़ी कठिनाई होती है। लोन लेना आसान है लेकिन जमा करना कितना कठिन होता है हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे जीवन की गाथाएं हैं। व्यक्ति पैसा ले सकता है लेकिन जमा नहीं कर पाता, हमने देखा है जब पैसा लेकर जमा नहीं करता किसी सेठ का नहीं देता, सेठ बार बार मांगता है तो आपने भी देखा होगा फांसी खाकर मर जाता है व्यक्ति, दे नहीं पाता। ये जो किसान लोग कर्ज ले रहे हैं ना, पहले तो निकाल लेते हैं और कितना कर्ज, अब फिर मोदी जी को दोष देते हैं कि ये किया वो किया, इन्हें छूट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। आप जाकर देखें गांव में व्यक्ति कितना लोन लेता है, शादियां 50-50 लाख की कर रहा है किसान, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की शादी कर रहा है, लोन ले लेता है। आपको आश्चर्य होगा ससुर को भी अलग गाड़ी और सास को खूब सारे जेवरात, फोन तक पता नहीं क्या क्या दे रहा है, कारें दे रहा है, सबकी इच्छा पूरी करता है लोन लेकर, और जब दिया नहीं जाता या तो सरकार को दोष देता है या खुद मर जाता है। अच्छा इस चीज से कुछ लाभ हुआ? इसीलिए मैंने चर्चा की थी आपके मध्य, व्यक्ति को अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ानी चाहिए, आवश्यकताएं इतनी बढ़ानी चाहिए जिसके द्वारा वह सुख चैन से रह सके। लेकिन आज व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता जा रहा है और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो फिर उल्टे सीधे कार्य करता है। और ये आप सब देखते होंगे, आप तो यहां पर समझदार लोग बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं, अन्यथा जाकर देखें आजकल व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ, कोई किसी एक वो समूह भी चला है महिलाओं महिलाओं का, महिलाएं भी समूह लेती हैं और अपने खर्चे करती हैं, फिर दिया नहीं जाता पति के ऊपर जोर देती हैं। अर्थात हमने पहले ही अपने जीवन को ऐसा बनाकर रखा हुआ है जिससे हमें दुखी दुख होना चाहता है, पर कहा है नहीं तुम पुरुषार्थ के द्वारा अपने प्रारब्ध को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो, अगर तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा होगा तो तुम सुखपूर्वक रह सकते हो और प्रारब्ध अच्छा नहीं होगा तो सुखपूर्वक नहीं रह सकते। आज भाग्य को दोष देता है व्यक्ति लेकिन भाग्य को बनाने वाला खुद है, इसलिए कहा है तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो, ऐसा कार्य करो, ऐसे कर्म करो जिसके द्वारा तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा हो जाए। इसलिए लिखा था बहुत सुंदर पंक्ति में, ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, सब नाम के साथी हैं ये साथी सही नहीं, साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके, मुश्किल दुनिया की चकाचौंध में जीवन गवा दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गवा दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गवा दिया,
मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ। चिंता की नहीं बात ये चिंतन से काम लो, चिंता की नहीं बात ये चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है प्रभु आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो के जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं सज्जनों माताओं बहनों जो समय आने पर हमारे आगे आकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो। आपने देखा होगा चला जा रहा है व्यक्ति, अचानक से एक्सीडेंट होने वाला है और खुद भी सोच लेता है बस अब तो हम संसार से जा रहे हैं, पर पता नहीं कैसा क्या व्यवस्था होती है, वहां पर व्यक्ति बच जाता है। थोड़ी सी जगह में व्यक्ति जो बुद्धिपूर्वक नहीं निकल पाता लेकिन वो अचानक से निकल जाता है और फिर क्या कहता है, जी पता नहीं कौन सा लिया दिया आ गया, कौन सा लिया दिया सामने आ गया। ध्यान रखना ये वही कार्य हैं जो आगे आकर खड़े हो जाते हैं, नहीं अभी तो इसे और भी जीना है। और जब व्यक्ति उल्टे कार्य करता है तो जीने की इच्छा करता है लेकिन वो जो बुरे कार्य हैं वो आगे आकर खड़े हो जाते हैं, अब इस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये बड़े चिंतन की बातें हैं, व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो समय आने पर हमारे काम आ जाएं। और ऐसा ही होता है, कभी कभी व्यक्ति मौत के मुंह से भी बच जाता है, डॉक्टर भी मना कर देता है भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा जो दूसरा व्यक्ति उसी कार्य से मर रहा है लेकिन एक बच रहा है, इसका क्या कारण है। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं जी डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया है, अरे चीज तो वही लगाई है, बड़ी सावधानी के साथ उसने कार्य किया है लेकिन एक अच्छा हो रहा है और दूसरा संसार छोड़कर जा रहा है। इसका कारण यही है सज्जनों, क्योंकि वो ऐसे कार्य हैं जो समय आने पर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके। अच्छा सच बताना, आप तो यहां पर अच्छे लोग बैठे हैं पर आप बाहर के लोगों को भी देख रहे हैं, आज व्यक्ति बदियों का सामान बढ़ा रहा है, पापों का बढ़ा रहा है या पुण्यों का बढ़ा रहा है, पापों का बढ़ा। हर व्यक्ति की इच्छा है, हर व्यक्ति यही कर रहा है, मेरी भी यही स्थिति है, मैं भी सोचता हूं परिश्रम कम करना पड़े और पैसा ज्यादा मिल जाए।
अर्थात हर व्यक्ति बदियों का सामान बढ़ाने में लगा हुआ है। मैंने कल भी चर्चा की थी, एक दूसरे को धोखा दे रहा है, छल कपट कर रहा है और फिर कहता है जी ईश्वर हमें दुख दे रहा है। अरे ईश्वर दुख नहीं दे रहा है, तुमने बदियों को इतना बढ़ा लिया है, क्या करें, चाहते हुए भी वो तुम्हें सुख नहीं दे सकता। इसलिए ध्यान रखना, जब ईश्वर की मार पड़ती है पापों की तो फिर व्यक्ति के पास हाथ होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकता, हाथ होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकता, वाणी होती है लेकिन बोल नहीं सकता, पैर होते हैं लेकिन चल नहीं सकता, आंखें होती हैं लेकिन देख नहीं सकता। इसलिए कहा है अगर तुम्हें इन चीजों से मुक्त होना है तो अच्छे काम करो। और ध्यान रखना, आंख की कीमत उस व्यक्ति से जाकर पूछना जिसके पास आंख नहीं, या आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके देखो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके देखो और फिर ऐसे चलो या विचार करो, मान लो थोड़ी देर के लिए आंखें खराब हो जाए, बंद कर, जबरदस्ती बंद करके देखना और फिर देखना कितनी कीमत है इन आंखों की, फिर जानना कि क्या स्थिति है। कुछ भी व्यक्ति देख नहीं पाता, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, चल जाता है, लेकिन आंख नहीं है। तो ध्यान रखना संसार में दीवार के समान है, कुछ और नहीं है। मैं दिल्ली में कार्यक्रम करने के लिए गया, एक दवाई डालने आया था व्यक्ति, दवाई ले रखी थी उसने, वो कहता था आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो अपने मित्र टाइप का है, उसने जबरदस्ती मेरी आंखों में वो दवाई डाल दी, इतनी तेज लगी माताओं बहनों सज्जनों, 15 मिनट तक आंख नहीं खुल पाई, अगर मैं खोलना भी चाहता था तो खुल नहीं पाती थी। मैंने हाथ जोड़े भगवान के आगे, प्रभु आज ठीक कर दे, बस एक बार ठीक कर दे, फिर आगे भूल कर भी ऐसी दवाई नहीं डालूंगा। अर्थात जब आंख खराब हो जाती है तब पता चलता है व्यक्ति को आंखों की कीमत कितनी होती है। इसलिए भूल कर भी व्यक्ति को ऐसे कार्य नहीं करने, डरना चाहिए। इसीलिए प्रभु आश्रित जी ने लिखा था पुस्तक में, डरो वह बड़ा जबरदस्त है, डर कर रहो। देखो मैंने अभी पता नहीं चर्चा यहां पर की है या नहीं की, वैसे की होगी, व्यक्ति दो तरह से अच्छे कार्य करता है, ज्ञान प्राप्त करके या डर करके। ज्ञान प्राप्त करके या डर करके, देखो जिस व्यक्ति को ज्ञान है मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी करता है तो उसके लिए क्या होता है, उसे डराया जाता है, उसे डराया जाता है। तो जब व्यक्ति डरता है तो बुरे कामों से बच जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण बुरे कार्यों से बचने के तीन उपाय लिखते हैं गीता में, तीन उपाय लिखते हैं। नंबर एक, ईश्वर का डर। जब व्यक्ति ईश्वर से डरता है तब बुरे कामों से बच जाता है, बुरे काम नहीं करता। जैसे पुत्र पिता से डर कर रहता है तो ध्यान रखना गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि उसे पता है पिताजी मेरी पिटाई करेंगे। और जो पुत्र डरता नहीं है, सच बताना, क्या वो अच्छे कार्य करता है बुरे कार्य करता है? वो बुरे कार्य करता है, बुरे कार्य करने से नहीं डरता है। समय हो रहा है, बहुत अच्छा प्रसंग है, आगे आगे आपको सुनाते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी, कैसे हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूं ये इसीलिए बार बार चर्चा करते रहना चाहिए, सुनते रहने चाहिए। देखो हम आपको तो सुनाते हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, हमारे आर्य जी कह रहे थे आप हृदय से बोलते हो, वास्तव में ऐसा ही होता है। अब मैं आपको सुना रहा हूं लेकिन मेरे अंदर चिंतन चल रहा है कोई मुझसे भी ऐसा कार्य ना हो जाए, मुझे भी डर लग रहा है, अरे नहीं मुझे भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखो ऐसे ऐसी बातें सुनाने से हमारा भी कल्याण होता है और आपका भी कल्याण होता है। आपको भी डर लगने लगता है, भाई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, और मुझे भी डर लगता है। इसीलिए इन बातों की चर्चा करनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। तो समय हो रहा है, चर्चा कल आपके मध्य करेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर विद्वानों ने समझाने का प्रयत्न किया है ऋषियों की, भगवान कृष्ण क्या मानते हैं, इसकी चर्चा कल आगे आपके मध्य करेंगे। आइए मिलकर शांति पाठ करें। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की प्रणव ध्वनि। ओम।